दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। शॉपकीपर्स एसोसिएशन की ओर से किशनपुरा चौक में 3 जनवरी को करवाए जा रहे पहले जागरण के उपलक्ष्य में झंडा रस्म अदा की गई। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार हेनरी के सपुत्र जोरावर हेनरी ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की। इस मौके पर मुकेश गुप्ता, रत्नेश सैनी, मनोज वर्मा, पवन रलहन, राकेश शर्मा, विनोद गुप्ता, राजीव गुप्ता, नरेंद्र कपूर, राजीव बहल, हरीश कुमार, सुरेंद्र नारंग सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। किशनपुरा वेलफेयर एसोसिएशन का शॉपकीपर एसोसिएशन का जनरल सैकटरी सू जानकारी दे रहे हैं कि 3 तरीक न बड़ी धूमधाम से पहला वार्षिक जागरण करा रहे हैं, जोड़ा कि 3 तरीक शनिवार को रात को 8 बजे आरंभ होएगा, जिसे अभी पंजाब दो मशहूर पार्टियां सी और महाराणी सद्या आया रस्म अदा की गई। जंडी साहब के पुत्र ने भाग लिया, असं उन्होंने बहुत जिया कहने मार्केट कमेटी वालों असं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कर मार्केट वालों असं जागरण करा रहे हैं और जागरण के साड़ी सारी कमेटी के मैंबर अज झंडे की रस्म लई सारे कट्ठे होए हैं असी और जिदे साडे श्री अवतार हेनरी जी के छोटे सपुत्र जोरावर सिंह जी झंडे की रस्म अदा करेंगे। मैं जनरल सैकटरी मुकेश गुप्ता किशनपुरा शॉपकीपर एसोसीएशन द्वारा पहले वार्षिक जागरण की झंडे की रस्म की गई। इस उपलक्ष्य एक शोभा यात्रा भी कड़ी गई। इस झंडे की रस्म श्री अवतार हेनरी के सपुत्र जोरावर हेनरी जी ने की। यह जागरण 3 जनवरी दिन शनिवार किशनपुरा चौंक च बड़ी धूमधाम मनाया जा रहा है। इस जागरण च माँ का अटूट लंगर भी चलेगा। इस जागरण में माँ का गुणगान करने वाली पार्टी गुरमीत गरी एंड पार्टी, कुमार हरीश एंड पार्टी, पठानकोट वाले माँ का गुणगान करेंगे। मैं सारे किशनपुर इलाके निवासियों को बेनती करता हाँ कि इस जागरण ते पहुंच